वेल, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने आप को डिलीवरी के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ. ऑब्वियसली बिकॉज मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ, जैसे ही ऑगस्ट स्टार्ट होगा आई हैव टू बी लिटरली रेडी विथ एवरीथिंग. और इतना सारा काम है, इतना कुछ प्रिपेयर करना है. बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी तीन चीजें हैं जो मैं खाने लगी हूँ आफ्टर माई ब्रेकफास्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल डिलीवरी. और मैं चाहती हूँ कि मेरी नेचुरल डिलीवरी हो, तो जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर रही हूँ. एंड लेट मी स्टार्ट ऑफ विद टेलिंग यू कि वो तीन चीजें क्या है. तो सबसे पहले तो गाइज मैं 5-6 बादाम खाती हूँ एवरी डे ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है. बिकॉज बादाम इज सपोज टू बी बहुत ज्यादा रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो इट एक्चुअली हेल्प्स इन डेवलपिंग यू नो बेबीज ब्रेन, हार्ट, आईज, एवरीथिंग. तो ये खाना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. देन द सेकेंड चीज जो एक्चुअली खाना बहुत जरूरी है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर इज डेट्स, खजूर. या और मैंने सुना है कि खजूर से एक्चुअली जो लेबर पीरियड होता है आपका वो बहुत कम हो जाता है, सर्विक्स आपका सॉफ्ट हो जाता है, तो डिलीवरी में बहुत आसानी होती है. इसीलिए डेट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं कर रही हूँ. तो बादाम, डेट्स एंड द थर्ड थिंग ऑब्वियसली सबको पता है मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे भी ये एडवाइस किया था, मेरी सासू माँ ने स्पेशली मुझे बोला है कि मुझे दूध में घी मिला के पीना है इन द थर्ड ट्राइमेस्टर बिकॉज इट रियली हेल्प्स द बेबी. वो बोलते हैं कि पिसल के बेबी बाहर आ जाता है. तो इसलिए मैं ये तीन चीजें खाने पीने लगती हूँ. सो गाइस, जब से मेरी सासू माँ ने मुझे बोला कि मुझे दूध पीना है घी में मिला के, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी. बट नो, शी इज वेरी पर्टिकुलर, उनको एडल्ट्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं है. तो उन्होंने मुझे लिटरली जो उनके यहाँ पे बहुत फेमस है, जो आई एम श्योर हमारे यहाँ पे भी फेमस होगा, बट कंट्री डिलाइट का उन्होंने मुझे काओ मिल्क भेजा, ठीक है, एंड ऑफकोर्स द घी. एंड इट्स अमेजिंग वाई, बिकॉज इसमें कोई मिडलमैन नहीं है, ठीक है, इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म. तो कोई अडल्ट्रेशन, कोई मिक्सिंग, कुछ भी नहीं है. इट्स प्योर 100% एंड द टेस्ट इज सो नेचुरल दैट इट इज अमेजिंग, ठीक है. तो ये उन्होंने मुझे भेजा है कि यही दूध तुम पियोगी और इसी घी को मिला के तुम इस दूध को पियोगी. तो ऑब्वियसली अब सासू माँ ने बोला तो करना तो पड़ेगा. तो या सो आई स्टार्टेड हैविंग दिस. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये ऐप एक है कंट्री डिलाइट का, जिसपे आप मिल्क ऑर्डर कर सकते हो एंड लिटरली विद इन सम फ्यू आवर्स वो मिल्क आपके दरवाजे पर होता है विद व्हाटएवर यू ऑर्डर. आप पनीर ऑर्डर कर सकते हो, कर्ड एंड यू नो घी, मिल्क, व्हाटएवर. एंड इट इज सो अमेजिंग क्योंकि आपके पहले ऑर्डर के साथ आपको ये मिल्क किट भेजा जाता है, विच इज DRDO अप्रूव्ड टेस्टिंग मिल्क किट, ठीक है, जो आप एक्चुअली जो मिल्क आया है आप उसे टेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप जो पी रहे हो या अपने बेबी को पिला रहे हो वो लिटरली 100% प्योर और नेचुरल मिल्क है. सो आई एम जस्ट गोना टेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स डू दिस टेस्ट एंड लेट्स बी रेस्ट अश्योर्ड कि आई एम हैविंग समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी हेल्दी. सो गाइस, वी आर गोना टेस्ट फॉर यूरिया एंड स्टार्च एंड इफ द मिल्क इज अडल्ट्रेटेड और नॉट. Now that the milk has been tested and I'm completely sure कि वो adulterated नहीं है and it's 100% natural, मैं इसमें एक चम्मच घी मिलाऊंगी. और फिर मैं इसे पीऊंगी because it's supposed to be good for me and my baby. ये वो तीन चीजें थी जो मैं लेती हूँ सुबह फॉर माय बेबी व्हिच इज इंपॉर्टेंट. पर आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो तीन चीजें क्या हैं जो आप लेते हैं विद द नेम ऑफ योर सिटी. और आपको मिलेगा 10 लकी विनर्स, एक्चुअली उनको मिलेगा 1000 रुपीज का रिचार्ज इन योर कंट्री डिलाइट का वॉलेट. सो डू इट राइट नाउ. एंड नाउ दैट दिस इज डन, लेट मी शो यू जो मेरी बाकी की प्रिपरेशन है वो कैसे चल रही है और उसमें मैं क्या क्या कर रही हूँ. रहेगा और बेबी इसमें रहेगा. सो यस, दिस इज द तैयारी दैट इज गोइंग ऑन
और ये है द बैसिनेट जिसे अभी हम प्लेस करेंगे। हम सोचेंगे, मुझे सोचना पड़ेगा कि इसे कहाँ रखना है और कहाँ प्लेस करना है, बट इट्स ब्यूटिफुल एंड आई एम श्योर यू लाइक इट। सो गाइज, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं कर रही हूँ प्रेपरेशन के लिए इज ऑब्वियसली द हॉस्पिटल बैग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। अपने पे मैं बाद में आऊंगी, बट पहले बेबी का हॉस्पिटल बैग तैयार हो रहा है एंड इसमें टेंटेटिव चीजें मैंने रख दी हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे कपड़े, ये थोड़े से बड़े साइज है तो ये शायद नहीं रखूंगी मैं, बट ये जो छोटे कपड़े हैं ये सब इसमें जाएंगे ताकि जैसे ही बेबी आए ही और शी कैन वेयर इट। मैंने मैक्सिमम व्हाइट ही लिया है बेबी के लिए ताकि इट्स न्यूट्रल, सो इवन इफ इट्स अ बॉय और अ गर्ल इट्स परफेक्ट। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज जो स्वाडल करते हैं जिससे वो वाले रैप्स हैं, फिर ये भी एक है स्वाडल व्हिच इज अगेन दैट, एंड देन आई वांट टू शो यू समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्यूट। ओके, आई गेस इट्स इन दिस, नो नॉट दिस, दिस ओनली आई थिंक, नहीं ये वाला बहुत क्यूट है गाइस, ये वाला बहुत क्यूट है, लुक एट दिस, इट इज सो क्यूट। I can't even imagine कि वो कैसे होगा या होगी और ये पहनेगा या पहनेगी, यार it's so cute, oh my god, so I am very excited। तो ये सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं, swaddles मैंने रख दिए हैं, इसमें है wipes which are very important for the baby as well because they are 100% organic, and of course I have a lot of other stuff here। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इज डाइपर रैश क्रीम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन देर इज द इंसेक्ट रिपेलेंट बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे अगर कुछ भी इंसेक्ट है, बच्चे आर वेरी यू नो सेंसिटिव, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। देन नेचुरल बेबी फेस क्रीम, फिर हमारे पास और क्या है, टर्मरिक बाम आफ्टर बाइट का इनकेस अगर मच्छर हुआ वहां तो, जो कि नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल में। तो then there is baby lotion and yeah this is again a roll on, so ye thodi si cheeze hain jo tentatively maine is bag mein bhar di hain jo baby ke kaam aayegi in the hospital। of course a lot of other things like diapers, a lot of diapers, car seat hai jo hame gaadi pe you know already fix karni hai and hamare paas do hai, so one will be fixed in the car and the other one obviously when we get the baby out of the hospital, so wo। And you know, I think मेरी friend मुझे बोल रही थी कि एक thermometer, you know, whatever भी रखो, obviously that comes later stage पे, but वो भी रखना चाहिए type of bag में because you know, you never know emergency में कभी भी कुछ भी। So yeah, so I am saying कि ये सारी preparations मेरी चल रही है, and इसके अलावा मैं ये भी कर रही हूँ कि you know, मैं breast feeding के classes लेने वाली हूँ, मैं birthing के classes लेने वाली हूँ because I think एक class करना इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, जस्ट टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि यू नो आपकी डिलीवरी में क्या क्या होने वाला है आपके साथ, तो यू नो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो वो एक क्लास मैं डेफिनेटली करूंगी एंड आई वुड रियली एडवाइज एवरीबडी दैट ये क्लास तो करना ही चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसी रही क्लास और क्या था, बट या एज ऑफ नाउ इट्स ऑल अबाउट द बेबी एंड इट्स ऑल अबाउट क्लोथ्स एंड सो मेनी थिंग्स। ऑफ कोर्स इसमें टॉयज भी रखने हैं, तो अभी पूरा बैग सेटिंग हुआ है, आई एम जस्ट शोइंग यू जो मेरे पास पड़ा था जो मैंने बैग में डाल दिया है, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर स्टफ दैट विल गो इन दिस बैग ऑल्सो गाइज। हॉस्पिटल बैग तो है ही, बट आई थिंक फॉर यू नो नॉट जस्ट द बेबी बट आपके लिए भी हॉस्पिटल बैग आपको तैयार करनी है, विच आई हैव टू डू फॉर माई सेल्फ एंड ऑफकोर्स फॉर सुरेश, बिकॉज सुरेश भी तो वहीं रहेगा मेरे साथ 2-3 दिन, तो उसके लिए भी, पर डैडी के लिए इतना कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट यू नो हिज क्लोथ्स एंड स्लिपर्स एंड नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर या फिर जो भी वैसे, और मॉम के लिए देयर बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, आई एम द प्लानिंग के यू नो दो ड्रेसेस मैंने खरीदे हैं जो मैं लेके जाऊंगी अपने साथ, ठीक है, जो ऑब्वियसली एक मैं पहन के जाऊंगी, एक जो मैं नया पहन के बाहर आऊंगी विद द बेबी, तो वो मैंने प्लानिंग की है कि वो दो ड्रेसेस होंगे, प्लस यू नो हल्का सा मेकअप भी लेके जाऊंगी बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक नाइस ऑल्सो ना, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक ऑफकोर्स पैड्स एंड देयर आर ब्रेस्ट पैड्स, देयर इज द बेबी पंप, यू नो द ब्रेस्ट पंप इफ यू नीड दैट। तो आई थिंक ये सारी चीजें अभी
करनी बाकी है जो मैं आपको बता रही हूँ. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट के हॉस्पिटल बैग में सिर्फ बेबी का सामान आएगा, हॉस्पिटल बैग में आपका भी सामान आता है, आपके हस्बैंड का भी सामान आता है. तो ये होता है. एंड पोस्टमार्टम केयर किट बनाना बहुत जरूरी है, जो आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा. तो ये यू नो थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, जो मुझे समझ आया है, जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने डिलीवरी की है या फिर जिनके बच्चे हैं जिन्होंने मुझे यू नो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है. एंड इफ देयर इज एनीथिंग गाइस जो मैं मिस कर रही हूँ, तो जो भी वहाँ पे मदर्स हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ कमेंट्स में नीचे पुट इट डाउन कि मुझे और क्या ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो मुझे कैरी करनी चाहिए फॉर द बेबी, फॉर मी और व्हाटएवर. तो प्लीज़ ये लिखिए. And let me know how you like the episode. And इसके अलावा जो भी मैं तैयारियां कर रही होंगी, I will keep you guys in the loop और मैं आपको दिखाती रहूंगी कि क्या चल रहा है मेरे साथ. Till then, like, comment, subscribe and share.